हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आपका स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित आजम। दोस्तों आपको जानकारी देंगे रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, रोजावेल फोर्ट 150 mg कैप्सूल के बारे में आज आपको जानकारी देंगे कि इस कैप्सूल के आपको क्या फ़ायदे मिलेंगे, क्या इसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका प्राइस है, क्या इसकी पैकिंग है, क्या क्या सॉल्ट इसमें डाले गए हैं और ये कैसे काम करते हैं हमारी बॉडी पे। तो दोस्तों आप ऐसे कीजिए, अगर आप इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो आप चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को कर लीजिए लाइक। तो हम करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप ऐसे कीजिए, आप किस स्टेट या किस सिटी से हमारी वीडियोज़ वगैरह देख रहे हैं तो उस अपनी सिटी या फिर अपने स्टेट का नाम जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरू। रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल जो है दोस्तों, इसको बनाया जाता है सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी द्वारा, ठीक है। अब अगर सॉल्ट्स की बात की जाए तो दोस्तों इसमें दो सॉल्ट का कॉम्बिनेशन जो है डाला गया है, रोजुवास्टेटिन और एस्पिरिन। रोजुवास्टेटिन जो है दोस्तों इसमें 20 mg डाला गया और एस्पिरिन जो है इसमें 150 mg के रूप में डाला गया है, ओके। अब अगर प्राइस और पैकिंग के बारे में जानकारी दी जाए तो दोस्तों इसका क्या बोलते हैं कि 10 कैप्सूल की पैकिंग एक स्ट्रिप का इसका प्राइस है लगभग 90 रुपये के करीब, ठीक है। अगर उपयोग और फ़ायदों के बारे में बात की जाए तो दोस्तों रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल का उपयोग किया जाता है दिल के दौरे और स्ट्रोक की रोकथाम का इलाज करने के लिए, ठीक है, और एंजाइना की रोकथाम के लिए। एंजाइना का मतलब होता है दोस्तों जो दिल से संबंधित हमारे सीने में दर्द पैदा होता है उसका इलाज करने के लिए, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि दिल के दौरे और स्ट्रोक की रोकथाम में कैसे उपयोगी है ये कैप्सूल। तो दोस्तों रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल जो है कई दवाओं का कॉम्बिनेशन है इसमें डाला गया, जैसे कि रोजुवास्टेटिन और एस्पिरिन, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल जो है दोस्तों हार्ट अटैक को रोकने के लिए किया जाता है। इसमें रोजुवास्टेटिन होता है जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करके रक्त में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल रक्त वाहिकाओं को पतला कर सकता है। तो दोस्तों कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने से क्या है, दिल के रोग और स्ट्रोक की संभावना जो है हमारी बॉडी में कम हो जाती है और व्यक्ति को लंबे समय तक स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। और क्या है कि दोस्तों रोजावेल ए फोर्ट कैप्सूल में जो है ब्लड थिनर भी डाला गया है जिसे हम एस्पिरिन बोलते हैं, ठीक है, जो रक्त के थक्कों को बनने से रोकता है और मौजूदा थक्कों का आकार बढ़ने से रोकता है। तो इसे नियमित रूप से आप लें। इस दवा के असर को बढ़ाने के लिए अपने जीवन शैली में उचित बदलाव करें, जैसे कि स्वस्थ भोजन खाएँ और अपनी बॉडी को जो है एक्टिव रखें, ओके। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों एंजाइना की रोकथाम में कैसे उपयोगी है ये कैप्सूल। तो रोजावेल ए फोर्ट कैप्सूल जो है दोस्तों रक्त के थक्के बनने से रोकता है। यह आपके शरीर में रक्त को अधिक आसानी से प्रवाहित करता है और यह सुनिश्चित करता है कि आपके दिल को जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति मिलती रहे, ओके। तो कुल मिलाकर दोस्तों यह एंजाइना के कारण होने वाले सीने में दर्द के जोखिम को कम करता है। यह दवा आपके एक्सरसाइज करने की क्षमता को बढ़ाने और आपके दैनिक जीवन को अधिक आसान बनाने में काफ़ी मदद करता है, ओके। अब हम बात करते हैं दोस्तों रोजावेल ए कैप्सूल जो है इसके साइड इफेक्ट्स हमें क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स के बारे में बात की जाए तो कुछ कॉमन से 4-5 साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि सर दर्द, जी मचलना, कब्ज, मांसपेशियों में दर्द, कमजोरी, घबराहट, ओके। अब ज़्यादातर साइड इफेक्ट्स में क्या है दोस्तों, डॉक्टर की सलाह की जरूरत नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर जब दवा के हिसाब से ढल जाता है तो साइड इफेक्ट्स भी आपकी बॉडी से धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। अब अगर ये साइड इफेक्ट्स लंबे समय तक आपकी बॉडी में बने रहें, आपको लंबे समय तक परेशान करने लगे, तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। अब हम दोस्तों बात करते हैं लास्ट पॉइंट के बारे में कि रोजावेल ए 150 mg जो कैप्सूल जो है फोर्ट वाला, ये काम कैसे करता है आपकी बॉडी में। तो ये कैप्सूल जो है दोस्तों इसमें एक लिपिड कम करने वाली दवा है जिसे हम रोजुवास्टेटिन बोलते हैं, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल बनाने के लिए शरीर में आवश्यक एंजाइम जो होता है उसको ख़त्म करके काम करता है। यह खराब कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड जो होता है उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो एस्पिरिन एक दोस्तों गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी दवा है जिसमें एंटी प्लेटलेट क्रिया होती है, तो यह प्लेटलेट्स को आपस में चिपकने से रोकती है और हानिकारक रक्त के थक्कों के निर्माण को कम करती है। तो इस तरह से दोस्तों रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल जो है रक्त वाहिकाओं की रुकावट को रोकता है और दिल के दौरे, एंजाइना या फिर स्ट्रोक के जोखिम को हमारी बॉडी में कम करता है। तो ये थी दोस्तों जानकारी रोजावेल ए फोर्ट 150 mg कैप्सूल के बारे में। अगर आपको जानकारी दोस्तों इजीली हिंदी भाषा में समझ आ चुकी है तो वीडियो को जो है जरूर लाइक करें, चैनल को दोस्तों कर ले सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।